और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एक और क्रिएटर किया, जी हाँ, और सीधा चलेंगे रुद्र भाई किया। तो एक साड़ी जिया को पसंद आ गया है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जिया सोच रही ग्रीन ही दिया जाए। और रुद्र भाई के घर जो है हम लोग पहली बार जाएंगे, सभी से मुलाकात करेंगे, एक्साइटेड है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पूजा से मिलने के लिए। तो फाइनली हम लोग आ गए और हमारे रुद्र भाई आगे में देख सकते हैं, पूजा भी वहाँ पे है। सही बात है जी, नहीं कहते है सब कुछ लेकिन घमंड नहीं किया कभी। तो रुद्र भाई का जो भी शॉप है वहाँ सब देखेंगे, तो नया शॉप खोला है रुद्र भाई ने। चलिए जी, तो चलते हैं, चल करके घूमते हैं इनका शहर। तो हम लोग आ गए हैं जी रुद्र भाई के शॉप पर, तो देख सकते हैं रुद्र भाई जो अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना ड्रोन का। तो हम लोग रवि भाई के यहाँ से निकल गए और बीच रास्ते में हैं हम लोग, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं एक और क्रिएटर के यहाँ, जी हाँ, क्योंकि उनका जो है घर रास्ते में ही पड़ जाता है, लगभग मुजफ्फरपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है उनका। तो हम लोग जो है वहाँ से चलते हैं और सीधा चलेंगे रुद्र भाई के यहाँ, जी हाँ। तो हम लोग रुद्र भाई के यहाँ चलेंगे और पहली बार जा रहे हैं उनके घर, तो पहली बार घर जा रहे हैं तो कुछ लेके चलना ही पड़ेगा, साड़ी और ये सब, ऐसा कोई प्लान था ही नहीं, अब रास्ते में देख। तो ठीक है जी, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। मौसम भी बड़ा खुशनुमा है और लग रहा है कि बारिश होने वाली है, और अंदर एसी चल रहा है और बाहर भी ठंडा है, तो अच्छा खासा ठंडा हो गया है अंदर का, अंदर को तो बहुत ज्यादा ठंडा कर। तो ये देख सकते हैं, और यहाँ का रास्ता जो इतना खूबसूरत है, पूरा एकदम हरा भरा है ना, बहुत ही हरा भरा है। और मैप लग रहा है हम लोग को जो है थोड़ा टहला रहा है आज, उल्लू बना रहा है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क है ही नहीं। 101 किलोमीटर कब से एक सौ किलोमीटर खत्म नहीं हो रहा है, 101। और हम लोग इस बीच रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अंत कहाँ है बताए बस। लेकिन एक आदमी से हम लोग ने पूछा तो बोला कि सीधा जाते रहिए, आप मिल जाएगा रास्ता आगे। तो उम्मीद करते हैं जी वहाँ कोई हाईवे होगा तो वहीं पर हम लोग पकड़ लेंगे उस रोड को। अरे यहाँ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ के रोड के साइड में ना अच्छा खासा आपको पेड़ पौधा लगा हुआ मिल जाता है ना, बगीचा है पूरा का पूरा, पूरा एकदम साइड। हाँ नहीं, उधर से भी जब हम लोग हाईवे से भी आ रहे थे तो था नहीं। और यहाँ से अब है 35 मिनट, हम लोग बस अब पहुँचने वाले हैं कुछ देर में। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई मिठाई का दुकान मिल जाए, मिठाई का दुकान जो है आसपास कुछ दिख नहीं रहा है, और साथ में हम लोग जो है कुछ देख रहे हैं कपड़ा का दुकान भी, तो पहली बार जा रहे हैं। आंटी जी के लिए साड़ी लेके जाना बनता है, हाँ। तो हम लोग को आंटी जी के लिए साड़ी लेना है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ आसपास, तो ऐसा करेंगे हम रुद्र भाई के साथ किसी बहाने से वहाँ जाएंगे बाहर घूमने उमने के लिए, और कह देंगे मम्मी के लिए खरीदना है हमको, चलिए फिर ले लेंगे, नहीं मिला तो। हाँ और क्या। और मुझे यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि मतलब रोड के चारों बगल आपको पूरा नम वृक्ष मिलेगा, और हमारे इधर इतना कुछ नहीं देखने को मिलता है, इधर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले था हम लोग के साइड लेकिन कट गया है बहुत। हाँ। और उधर जा रही है ट्रेन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आपकी गाड़ी पूरी गंदी हो गई है भाई साहब, ऐसा कीचड़ और ऐसा ऐसा इलाके से यह गया है, क्या कहें, डिस्को डांस करके, डिस्को डांस सब किया है, गंदा हो गया ही। तो हम लोग जो है बीच रास्ते में रुक गए हैं, हमें एक दुकान दिख गया, अपना पेट पूजा भी कर लिया यहाँ पर, और साथ में जो है कपड़ा का दुकान भी मिल गया, मिठाई का दुकान भी पास में ही मिल गया, तो चलते है वहाँ। तो एक साड़ी जिया को पसंद आ गया है क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जिया सोच रही है ग्रीन ही दिया जाए, सावन का महीना आने वाला है, चल नहीं रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है भैया। तो अभी बचे हुए 9 मिनट, तो हम लोग जो है 9 मिनट में पहुंच जाएंगे जी, जो कि मुश्किल से है 5.5 किलोमीटर के करीब, और अभी मार्केट एरिया से गुजर रहे हैं, और हम लोग इससे पहले एकदम हरा भरा था एकदम से, बिल्कुल बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा था रुद्र भाई के घर का रास्ता, तो हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं, और रुद्र भाई के घर जो है हम लोग पहली बार जाएंगे, आंटी जी से भी जो है पहली बार मुलाकात होगी, अंकल जी से भी पहली मुलाकात होगी, अंकल जी से पहली मुलाकात होगी, आंटी जी से पहले हो अच्छा, चुकी है, राजगीर में हुआ था नहीं मुलाकात, सही 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 सही, सभी से मुलाकात करेंगे, एक्साइटेड है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पूजा से मिलने के लिए, और सबसे तो हूँ ही, लेकिन पूजा से मिलने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड, क्योंकि पूजा बहुत ही सबसे इसकी बेस्ट सखी में से एक है ना। हाँ, तो ये देख सकते हैं काफी अच्छा रास्ता है जगह। तो फाइनली हम लोग आ गए और हमारे रुद्र भाई आगे में देख सकते हैं, आ गए हम लोग फाइनली, आ गए हम लोग रुद्र भाई के घर, और रुद्र भाई और आगे आगे जाते हैं, घुसा रहे हैं सीट बेल्ट को खोल लिया जाए, तो पहुंचते हैं वहाँ पे, पूजा भी वहाँ पे है। तो हम लोग रुद्र भाई और पूजा जी के यहाँ आ चुके हैं, तो देख सकते हैं जी हम लोग उन्हीं के रूम में हैं, और हम लोग का जो है पेट पूजा चल रहा है, इतनी ज्यादा खातिरदारी हो रही है ना, कि बता नहीं सकते हैं। देख सकते हैं ये दाल वाली पूड़ी है, ये सादा पूड़ी है, बिल्कुल
ये शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी है, ये आलू मटर की सब्जी है, और ये मिठाई है, फाइन स्पेशली ये शायद रस मादरी बोलते हैं इसको, बोला ये स्पेशली लाया है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर हमारा मन पसंदीदा खीर है जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। 3 hours later. तो अभी बज रहे थी शाम के 6:20 और हम जो है सोकर के उठ गए, अच्छा खासा नींद ले लिया क्योंकि काफी ज्यादा थके हुए थे। शादी में जो है लगभग 3:30 बजे तक जो जगे हुए थे, फिर उसके बाद जो 6 बजे वहाँ से निकल गए, तो सिर्फ जो है 2.5 घंटे की ही नींद पूरी हो पाई। और उसके बाद जो है तो आज यहाँ रेस्ट कर लिया, रुद्र भय किया और हम लोग यहाँ पर आराम करके जो है कल हम लोग जो है निकल जाएंगे अपने कटिहार की तरफ। मम्मी को बोला कि मुझे जो नींद आ रही है, रास्ते में जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मम्मी बोली कि ऐसा करो, जरूरी नहीं है अभी आना, हम लोग है यहाँ पर क्रियास को देखने के लिए, तुमको जहाँ पर होटल मिलता है, जहाँ पर स्टे मिलता है तो वहाँ पर रुक जा। तो हम लोग जो है सोचे थे कि होटल ही ले लेंगे, लेकिन फिर मालूम चला कि रुद्र भाई का घर जो है पास में ही है और उनसे बात भी हो रही थी, टच में थे, तो वो कहे कि आप यहीं आ जाइए और यहीं से आप जो है रेस्ट करके चले जाइएगा। तुम लोग आ गए तो हम सभी लोग अभी आए हुए थे छत पर और यहाँ पर जिया और पूजा दोनों ने जो है काफी अच्छे से रील शूट करे हैं। हाँ, चाय पी के चलते हैं। और बाकी यहाँ से जो लोकेशन है देख रहे हैं भाई साहब का, बहुत ही अच्छा है, एकदम आसपास जो है खेत है, एकदम नेचुरल है यहाँ पे, एकदम हरी हरी भरी आदि है, तो पेड़ पौधे हैं बहुत सब, वीडियो दिखाते नहीं है। हाँ, वीडियो में दिखाते नहीं है लोग। हाँ सही बात है जी, नहीं कहते है सब कुछ लेकिन घमंड नहीं किया कभी। तो सभी लोग जी गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी रुद्र भाई के अपना जो शहर है, इस शहर में हम लोग घूमेंगे। अभी गांव से हम लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, तो रुद्र भाई का जो भी शॉप है वह सब देखेंगे। तो नया शॉप खोला है रुद्र भाई ने, तो आपने देखा भी होगा कुछ लोगों ने जो इनका वीडियो आया होगा, तो वो चल करके हम लोग देखेंगे। अच्छा, पीछे शिवांश जो है पापा को याद कर रहा है। हाँ, मुझे ना इस बच्चों का ना मुझे सबसे खराब ये लगता है, वैशाली जाने के लिए आपको यहाँ से राइट लेना है, 15 किलोमीटर यहाँ से वैशाली है। अच्छा, यहाँ से 15 किलोमीटर है, पुरानी जगह है यहाँ पे, वो भगवान बुद्ध या वो जैन धर्म का मतलब कंफर्म नहीं बता पा रहे, आप देख लीजिएगा। तो भगवान बुद्ध का यहाँ पे शायद उनको ये ज्ञान मिला था या अच्छा बोध गया, पावापुरी सब इधर ही है, सब रास्ता में यही रास्ता बस यहाँ से, और बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था ये सब है। अच्छा, और बहुत सारा जगह है, चरमुखी महादेव है यहाँ पे जो कि बहुत प्राचीन मूर्ति है, जो कि खुदाई में मिला था, वो बनाया हुआ मूर्ति नहीं है। अच्छा, उसके बहुत मान्य, समय लेकर के आना पड़ेगा कभी, एक ही से मतलब कुछ समय में जो है सब कुछ घूमना मुश्किल है। यहाँ के राजा का महल है। अच्छा, रजरप्पा में क्या है? बहुत मंदिर है, बहुत पुराने मंदिर है। अच्छा अच्छा, चलिए जी तो चलते हैं, चल करके घूमते हैं इनका शहर। तो हम लोग आ गए हैं जी रुद्र भाई के शॉप पर, तो देख सकते हैं तो इनका यह शॉप है और इनका जो इंटीरियर है अच्छा खासा करवाया इन्होंने, इंटीरियर काफी अच्छा करवाया, तो मेंस के लिए सही है और लेडीज का रहता तो इसमें ना, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं, शुरुआत किए हैं अभी, आप लोग के लिए ऊपर खोलेंगे आएंगे तो बिल्कुल, पहले का नहीं सब बुलाने लेंगे। अच्छा, आप लोग का क्लोजिंग टाइम क्या रहता है बाकी सब बिजनेस सब का? ऐसे तो मेनली अभी 9 बजे दुकान खुल जाता है, 9 बजे खुल जाता है और 9 बजे के बाद ही बढ़ता है, बट आज का जल्दी हुआ है, जल्दी हुआ है। अच्छा अच्छा, अच्छा बारिश हो गया ना, बारिश की वजह से और स्टाफ आज 2 कम है हमारे पास, मतलब कुछ लगा ओके ओके, कल साफ होगा पानी, फर्स्ट टाइम पानी डाला है, साफ नहीं हुआ है, चलिए कोई नहीं करिए। तो देख सकते हैं जी इनका शॉप, हम लोग आ गए और घूम लिए। अच्छा हाँ, सामने यह सब भी है, गूगल सब भी है, तो हम लोग आ गए हैं जी अब रुद्र भाई के जो एक और बिजनेस है उसमें, जी हाँ रिकॉर्ड कर लेना, वो क्या है, वो क्या है, अब कुछ नहीं आया, क्या 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 लेना, क्या लेना? तो ये है इनका मेडिसिन का ऑफिस, देख सकते हैं। The next day. तो अभी हम लोग आए हुए हैं जी छत पर और मौसम भी देख सकते हैं जी कितना खुशनुमा मौसम है और थोड़ी थोड़ी सी जो है बूंदाबांदी चल रही है और हमने जो है ड्रोन लेकर के आया हुआ है और रुद्र भाई का जो घर का सीन है सब कुछ ड्रोन से कैप्चर किया है, रुद्र भाई का जो गांव है सब कुछ कैप्चर किया है और रील के लिए भी ढेर सारा वीडियो सब शूट किया है, इसमें जो है इंस्टा मोड भी है।
रुद्र भाई जो अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना ड्रोन का, शायद अब रुद्र भाई को भी मन करने लगा होगा कि अपना ड्रोन लेना चाहिए। क्या रुद्र भाई, हाँ ले लिया जाए, जिया करिए, नहीं लेने देंगे। अपने तरफ बुलाना कैसे आएगा ये? अपने तरफ पहले घुमाइए ना इस साइड। कैसे घूमेगा इस साइड? इधर ऐसे करके, ठीक है? हाँ ठीक है, आप पीछे कर रहे हैं, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, पास आएगा, पास आ रहा है, प्रैक्टिस होगा। तो हमारा ड्रोन जो है यहाँ पर है, देख सकते हैं, और रुद्र भाई का भी चल रहा है प्रैक्टिस सेशन। देखो गाय देख रही है, गाय भी देख रही है क्या उड़ रहा है ऊपर।